YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टॉक बाजार में। इस वीडियो में बात करेंगे हम एक ऐसे शेयर के बारे में जिसमें काफी ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट आता है। क्या आपको ये शेयर बाय करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? अगर बाय करना है तो किस लेवल पे आपको बाय करना चाहिए? क्या स्टॉप लॉस रहेगा? क्या सपोर्ट है इसमें? क्या रेजिस्टेंस है? कहां से ये स्टॉक मोमेंटम कर सकता है? इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये स्टॉक है सुजलॉन एनर्जी। देखिए, काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक में इंटरेस्टेड रहते हैं जो 2-4 रुपये में मिलते हैं। तो ये ऐसे स्टॉक्स को पहले तो आपको अवॉइड करना चाहिए और कभी भी पैनिक शेयर में निवेश नहीं करना चाहिए। जो अच्छे स्टॉक्स है, जो फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक्स है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए इसके फंडामेंट को देख लेते हैं। सोलर एनर्जी प्राइमरली इंगेज्ड है बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइंड टर्बाइन जनरेशन और रिलेटेड जो कंपोनेंट्स होता है वेरियस कैपेबिलिटीज का, उसको मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। मार्केट कैप 8,800 करोड़ का है, जबकि कंपनी के ऊपर डेट ही 6,600 करोड़ का है। तो काफ़ी ज़्यादा डेट है कंपनी के ऊपर। रिजर्व बात करें, -5,000 करोड़ का रिजर्व है। रिजर्व भी माइनस में है, प्रॉफिट भी कंपनी का नेगेटिव में है। अब यहाँ पर हम ग्रोथ देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बॉटम लाइन ग्रोथ जो है, मतलब जो प्रॉफिट है कंपनी का, नेट प्रॉफिट, वो यहाँ पर पॉजिटिव आ चुका है 2021 में। 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है, उससे पहले लगातार कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी। कंपनी की सेल्स की बात करें, वो भी काफ़ी डिक्रीज हुआ है। 2010-11 में देखिए 20,000 करोड़ का सेल्स था, जहाँ पर 2021 में मात्र 3,300 करोड़ का सेल्स बचा है। सेल्स में भी काफ़ी गिरावट आया है। अब इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पर प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है। 2019 में 20% था, तो वही 2021 में हो चुका है 16%। तो देखिए, ये लगातार डिक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। देखिए, ये 2 ट्रेंड लाइन है, एक ऊपर रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन, नीचे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पे ये स्टॉक सपोर्ट लेता है और ऊपर के ट्रेंड लाइन यहाँ पर रेसिस्टेंस लेता है। तो कुछ इस तरह से ट्रेड कर रहा है और ये ट्रेंड लाइन है जहाँ से सपोर्ट लेकर के भी ये ऊपर जा सकता है। तो ये 2 मेजर ट्रेंड लाइन है, एक ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन, दूसरा ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे भी काफ़ी कई बार सपोर्ट लिया है। तो ये 2 ट्रेंड लाइन है जो कि सपोर्ट का काम करता है। ये दोनों लाइन को अगर ब्रेक कर देता है ये स्टॉक, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें हमें गिरावट देखने मिलेगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, यहीं से रिवर्सल का साइन दिखता है, तो हम इसको बाय करके चल सकते हैं। ओवरऑल ये रेजिस्टेंस लाइन अगर इसको ब्रेक करता है, तो फिर इस स्टॉक में गजब का मोमेंटम दिखेगा। तो इस स्टॉक का जो चार्ट है काफ़ी सिंपल है और यहाँ पर बात करें, अभी जो चार्ट बन रहा है उस चार्ट के अनुसार स्टॉक से डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि यहाँ पर जो हाई बनाया उसके बाद ये लो बनाया, फिर ये लोवर हाई बनाया, फिर जो ये लो बनाया लोवर लो बनाया, फिर ये लोवर हाई बनाया। देखिए, लगातार लोवर हाई लोवर लो बन रहा है। तो जब तक स्टॉक इस तरह से साइडवेज होने के बाद फिर से ये हाइयर हाई और हाइयर लो बनाना शुरू नहीं कर देता है, तब तक हम इसको बाय नहीं करेंगे। तो इस तरह से हाइयर हाई और हाइयर लो बनाने लगे, तो अब हम इस स्टॉक को बाय करके चलेंगे। जब तक इसमें हमें बुलिशनेस नहीं दिखता है, जब तक हाइयर हाई हाइयर लो बनता हुआ हमें नहीं दिख रहा है, तब तक हमें इस स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये ब्रीफ एक एनालिसिस था। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।